नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे जो जॉब रिक्रूटमेंट लेकर के आया हूँ, ये है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के तरफ से। और दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब है। यदि इस जॉब में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी आपको बताएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को कैसे भरना है ये भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें कितने सारे वैकेंसीज है ये भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना गवर्नमेंट प्राइवेट संबंधित जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है जो कि हमारे वेबसाइट का लिंक है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे नज़र आएगा। तो यहाँ पे टुडे ऑफर्स 99.blogspot.in, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड करके हैं, इसको आप ओपन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इसका अलावा यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसके रिलेटेड जॉब, 10th पास, 12th पास, वर्क फ्रॉम होम, बैंकिंग जॉब, रेलवे जॉब, ठीक है, बहुत तरह के जो है हमारे वेबसाइट में आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, हमारे वेबसाइट में आके रेगुलरली विजिट करते रहिए, आपको यहाँ पे अच्छे ऐसे जानकारी भी आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए, तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे पूरे डिटेल आपको मेंशन है, आप इस सभी को जानकारी जो है एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, या नहीं तो इसके बारे में भी आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अभी दे देते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है BPNL, यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, और वैकेंसीज जो अपडेट हुआ है ये 19 मई को हुआ है। और इसका जो टोटल वैकेंसीज है दोस्तों, ये 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में। इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों, ये अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पे, ये है 31 मई 2020, यानी कि मई महीने के आखिरी तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा पोजीशन रहेगा, तो इसके लिए ऑफिस असिस्टेंट, स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर, और इसके अलावा अदर वैकेंसीज भी इसमें अवेलेबल है। वैकेंसीज़ के हिसाब से जो सैलरी है दोस्तों, वो करीब आपको 8000 से लेकर के 18000 तक आपको प्रति महीना जो है सैलरी रहेगा। और जो एज लिमिट है, ये कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए एज लिमिट दिया है दोस्तों, 18 साल से लेकर के 45 साल के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है आपके कैटेगरी के हिसाब से, कौन अप्लाई कर सकता है तो इस पर बात करेंगे। यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस जिनके 10th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो बिल्कुल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन पे ही आपको अप्लाई करना होगा। और जब आप ऑनलाइन पे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसमें कुछ एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, जैसे कि आप इसमें अप्लाई करेंगे स्किल सेंटर के लिए, तो उनका चार्जेस है 944। यहाँ पे दोस्तों, यदि आप एडमिशन कंसल्टेंट में यदि आप एडमिशन करना चाहते हैं तो उनके लिए 708 रुपीज़। यदि आप डेवलपमेंट ऑफिसर में करना चाहते हैं तो उनके लिए 826 रुपीज़ रहेगा। यदि आप वेटरनिटी एडवांस सेंटर में करना चाहते हैं तो उनके लिए 590 जो है आपको फ़ीस रहेगा। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इसमें क्लिक करना होगा। और यदि आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ऊपर फर्स्ट वाले यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई नाउ में और दोनों पे क्लिक करके एक एक करके आपको जानकारी दे देते हैं। अप्लाई नाउ में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आपको ये फॉर्म आपको बता देते हैं, जहाँ पे यहाँ पे पद का नाम दिया हुआ है और इसके कितने संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। आयु सीमा कौन कौन से कैटेगरी के कितने कितने हैं, सैलरी वेतन कितने हैं, सब कुछ यहाँ पे शामिल है। तो सर, ये लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जाके आप भी चेक कर सकते हो। तो सर, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, जैसे कि आपको जॉब टाइप यहाँ पे रहेगा। जॉब टाइप में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कैशल के अंतर प्रभावी। देखिए, यहाँ पे कुल मिला के 5 जो है आपको पद दिया हुआ है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी जो आपको पसंद आए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, उसके बाद पिन कोड नंबर, ठीक है, अपना गांव का नंबर, पूरे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं यहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे जो अमाउंट आपको बताया गया था, ये फिल करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आएगा। अमाउंट फिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूरे ग्राम पंचायत के साथ ही मेंशन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो की जानकारी यदि आप
लेना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमें सीधा कमेंट करके या मैसेज करके जो है इसकी जानकारी भी आप ले सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।